तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेयर्ड लंग्स होते हैं एंड सीरीज ऑफ़ एयर पैसेज होती है या ट्यूब्स होती है जो हेल्प करती है एयर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स तक पहुँचाने में एंड इस एयर पैसेज में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसमें सबसे पहला पार्ट होता है नोज नोज ओपन होता है आउटसाइड साइड थ्रो द नोस्ट्रल्स एंड देन इट ओपन इन टू द फेरिंग्स फेरिंग्स इंटू लैरिंग्स एंड लैरिंग्स इन टू ट्रैकिया ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है एंड ट्रैकिया फर्दर इंटू द ब्रोंकाई ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है इंटू फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल एयर पैसेज फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ट्रिल द ब्रोंकिल दे हैव द म्यूकस मेमब्रेन एंड स्मॉल हेयर्स जिनको सीलिया भी कहा जाता है ये हेयर्स या सीलिया फ़िल्टर्स का काम करते हैं ये फ़िल्टर करते हैं डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़ को सो so दैट वो आपके लंग्स में ना पहुँचें एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो ये मॉइस्टन करती है एयर को एंड इसको वार्म करती है बिकॉज जो एयर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसका टेम्परेचर अलग होता है एंड हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है एंड दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू वार्म दैट एयर एंड मॉइस्टर इट फर्स्टली एयर एंटर करती है नोज में थ्रू द नॉस्ट्रल एंड वंस इट एंटर इन द नोज जो हेयर पार्टिक हेयर होते हैं ये डस्ट पार्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं एंड देन ये एयर वार्म की जाती है एंड इसको मॉइस्चर किया जाता है बिहाइंड द नोज इज प्रेजेंट फैरिंग्स आपके थ्रोट में प्रजेंट होता है एंड देर आर टू पैसेज वन लीड्स टू द विंड पाइप एंड अदर लीड्स टू द फूड पाइप यहाँ पे फूड पाइप एंड विंड पाइप के लिए दो पैसेज प्रजेंट होते हैं देन फैरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड द ग्लॉटिस हैज़ अ स्मॉल लिड इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है कमिंग ऑफ फूड इन टू द विंड पाइप तभी आपको बोला जाता है जब आप खाना खाएं तो आपको बातें नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट टाइम एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगा एंड फूड आपके विंड पाइप में एंटर होगा बिकॉज इट हैज़ द सेम ओपनिंग लैरिंग्स के बाद ही लैरिंग्स स्टार्ट होता है एंड लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस कहते हैं तो अगर आप बोलेंगे तो उस टाइम ई ओपन हो जाएगा एंड देन फूड विल इंटर इन साइड योर लंग्स लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स एंड देन आफ्टर लैरिंग्स एयर एंटर करती है इन टू द ट्रैकिया ट्यूब और विंड पाइप ट्रैकिया इज अबाउट इलेवन सेंटीमीटर लॉन्ग विंड पाइप या ट्रैकिया इज़ गार्डेड बाई सिक्सटीन टू ट्वेंटी शी शेप रिंग्स आ इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सो दैट ड्यूरिंग द रेस्परेशन हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं या विंड पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है सो so, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं ये इजिली उनको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सीशन में हेल्प करती हैं बिकॉज अगर ये कंप्लीटली बोन के बने होंगे स्टिफ हो जाएंगे देन हमारी विंड पाइप कोलाप्स हो जाएगी सो so, ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में वॉट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिले सो दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। देन ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रांचेस दैट कॉल्ड ब्रोंकाई एंड ईच ब्रोंकस इंटर इंटू द लंग्स एंड देन फर्दर गेट डिवाइडेड इंटू फाइन ट्यूब्स दीज आर कॉल्ड ब्रोंकिल दिस ब्रोंक्यूल गेट डिवाइडेड इन टू फाइन थिन वॉल्ड ट्यूब्स दैट कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर डक्ट ओपन इन टू द एलवियोलाई एल्वलाइव ग्रेप शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एयरसैक भी कहते हैं एंड ईच एलवियोलस इज कवर्ड बाई ब्लड कैपलरीज सो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज एलवियोलाई में होता है या एयरसैक में होता है एंड एज दे हैव द ब्लड कैपलरीज दैट्स वाई द सर्फेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनक्रीजेज स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं एंड ये बहुत डेलीकेट होते हैं दे आर लोकेटेड इन द थोरासिक कैविटी या चेस्ट कैविटी थोरासिक कैिटी एंड चेस्ट कैविटी एक ही है एंड एज ये बहुत डेलीकेट होते हैं दैट्स वाई ये कवर्ड होते हैं बाई द रिप्स एंड गैसियस एक्सचेंज अगर्स इन साइड द लंग्स बट लंग्स में भी कहाँ होता है एलवियोलाई में जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है वो एलवई में होता है बिकॉज एलवियोलाई दे आर हाईली सप्लाइड विद द ब्लड कैपलरीज एंड ब्लड कैपलरीज में एक आयरन पिगमिन प्रजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं एंड हीमोग्लोबिन हैज़ दी हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन देर इज अ मसल वॉल प्रेजेंट बिटवीन द एबडोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी दैट्स कॉल्ड डाइफ्रैम डाइफ्रैम हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स बिकॉज लंग्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर सकते हैं सो नाउ द नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग की प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं इंस्परेशन या इनहेलेशन इन्हेलेशन मीन्स टेकिंग गैस इन साइड एंड एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन दैट मीन्स रिलीजिंग गैस आउटसाइड सो so, लंग्स जो हैं ऑटोमेटिकली खुद कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर सकते हैं रिब्स में एंड डायफ्राम में मसल्स होते हैं जो रिब्स में मसल्स होती हैं उनको रिब्स मसल्स कहते हैं एंड देन डायफ्राम्स में भी मसल्स कनेक्टेड होती हैं जिनको डायफ्राम मसल्स कहते हैं मसल्स दे हैव अ स्पेशल फ़ीचर अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा हो नाइन्थ क्लास में सो मसल्स दे हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो होता क्या है ड्यूरिंग इंस्परेशन जो डायफ्राम एंड रिब्स मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सो तो जो थोरेसिक कैविटी है ये इंक्रीज कर जाती है एंड जैसे ही थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करती है जो एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो आपके नॉस्ट्रल से होते हुए डायरेक्टली इंटर करती है इनसाइड द एयर सैक और एल्वलाई जैसा कि चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया है एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ़ एयर लेस प्रेजेंट है या ऑक्सीजन लेस है बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड गैसेस की टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन सो इमीडिएटली थ्रू द एयर पैसेज ऑक्सीजन विल एंटर इन टू द थोरासिक कैविटी एंड इट गेट फिल्ड इन टू दी एल्वलाई और दी एयर सैक्स सो ये प्रोसेस होगी इंस्परेशन में नाओ द एक्सपरेशन सो आफ्टर दी इंस्परेशन एक बार गैसेज फिल्ड हो गई एलवलाई में देन ऑक्सीजन इन कर जाएगी ब्लड कैपलरीज में एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर फिल हो जाएगी एयर सैक्स में देन मसल्स रिलैक्स करेंगी एंड जैसे ही मसल्स रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा कैटी ल डिक्रीज जैसे ही थोरासिक कैविटी डिक्रीज कर जाएगी द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन साइड इट गैसेज हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्राम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सन्ट्रेशन अब आपकी थोरासिक कैविटी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड इज़ वेरी हाई सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउटसाइड जैसे ही ये अंदर आया था वैसे ही ये बाहर चला जाएगा इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा जैसे इंजेक्शन होता है सरिंज होती है जब आप सरिंज को पुल करते हो डाउनवर्ड्स देन लिक्विड या जो भी मेडिसिन है वो फिल हो जाती है एंड जब आप उसको पुश करते हो देन वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाती है एग्जैक्टली डायफ्राम मसल्स उसको पुल डाउन करती हैं लंग्स में एयर फिल हो जाती है पुश करती हैं देन एयर बाहर चली जाती है सो दिस वॉज दी नॉर्मल मैकेनिज़्म बट एग्जैक्ट थिंग होती क्या है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इनसाइड दी एलव जब एलवई या एयर सैक में एयर इंटर करती है विच इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विथ ऑक्सीजन सो so, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट एल्वेलाई इज़ हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स आपकी ब्लड वेसल में पहले ही हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड जब ऑक्सीजन एयर सैक में प्रेजेंट होती है सो so हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी होती है विथ ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन क्या करेगा हीमोग्लोबिन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा इन टू दी एयर सैग एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे जब आप क्लास में बैठे हों और आपसे बोला गया है कि आज आपको फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं तो जो आपका सीट पे पार्टनर होगा आप उसका बैग उठाएंगे और उसको कहीं और फेंक देंगे और आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का बेस्ट फ्रेंड है ऑक्सीजन सो तो जब एल्वलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हीमोग्लोबिन इमिडिएटली अपने फ्रेंड को बुलाएगा एंड फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड जो उसके बगल कार्बन था उसको वो हटा देगा दूसरी सीट पे पहुंचा देगा एंड देन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंटर करेगी हार्ट में एंड हार्ट विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट वेर द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इस टॉपिक से जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है वो है

एक्चुअली जो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है बाय द सरफेस ऑफ लीफ सरफेस ऑफ लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड दिज स्टोमेटा हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एज वेल एज लेंटी सेल्स आर प्रजेंट सो लेंटी सेल फ्रूट्स में आपने एप्पल में या ऑरेंज में माइन्यूट डॉट्स देखे होंगे ये डॉट्स कहलाते हैं लेंटी सेल एंड ये लेंटी सेल हेल्प करती हैं इन द गैसियस एक्सचेंज सो फ्रूट में भी गैसियस एक्सचेंज होता है पार्क ऑफ द ट्री ट्री के बाहर जो एक हार्ड स्ट्रक्चर रफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बार्क कहते हैं सो बार्क ऑफ द ट्री पे भी माइन्यूट लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट ऑल्सो डू द गैसियस एक्सचेंज प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं दैट्स वाई सजेस्ट किया जाता है कि रात में कभी भी प्लांट पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए पहले बोलते थे कि भूत होता है और आपकी डेथ हो जाएगी भूत नहीं होता वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सफोकेशन से लोगों की डेथ हो जाती थी सो so, Next topic I'll discuss in the next video. Thank you.